मस्त यहाँ पे देखिए रेड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखिए चिन्ह बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम हो। ये देखिए कितना मस्त का यार लग रहा, देखिए लाजवाब भाई मस्त लग रहा है बिल्कुल। देखिए किस तरह से काम चला, इसको कितना बढ़िया स्मूथ देखिए दे रहे हैं फिनिशिंग इस तरीके से भाई। रामपथ का काम हो रहा है यार, नॉर्मल बात। भाई राइट साइड पे देखिए वही सेम काम किया जा रहा है, जो है फुटपाथ का काम चल रहा है, उस पर कलर कर रहे हैं। उसको बनाने के बाद पहले इसको पक्का बना दिए हैं, उसके बाद जो है कलर्स कर रहे हैं पूरा, मतलब के रेड कलर का बोल सकते हो कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर लग रहा है ये देखने में। देखिए अभी का जो है, जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रामपथ का कुछ ऐसा दृश्य जिसे देख के आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट लगना स्टार्ट हो गया है और साथ ही में जो फुटपाथ का काम चल रहा है उस पर जो है वो लाल कलर का कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही भव्य लुक देता है। तो आपको पूरा दिखाएंगे बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अयोध्या से और प्रभु श्री राम जी से जोड़ के रखने का काम हम करते हैं। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लता मंगेशकर चौक की तरफ से हम आ रहे हैं और रामपथ का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट लाइट जो है वो लगना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल धनुष वाली स्ट्रीट लाइट लग रही है, जो देखने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही भव्य लुक देती है, ठीक है। और रात में ये जब येलो कलर की बिलिंग होती है तो भाई इसको देखोगे ना, नाइट का व्यू बहुत ही लाजवाब लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से लग रही है। यहाँ पे देखिए अभी कुछ ही क्वांटिटी में लगाई गई, लगभग 5 से 6 ही लगाई गई है, और आगे जो है वो कुछ लगाई जा रही है फिर नहीं लगाई जा रही है, उसको आपको आगे चल के दिखाएंगे। अभी जो है ये 5-6 लगाना स्टार्ट हुआ है, जो कि बोल सकते हो आपकी राम की पैंडी के साइड से रोड से या फिर नए घाट के रोड से जब रामपथ स्टार्ट होता है वहाँ से, तो कुछ इस तरीके से व्यू है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से और काम किया जा रहा है, क्या नया किया क्या गया है, उसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों अभी जो है रामपथ का व्यू। और इस तरह से यहाँ पे देखिए साइड में जो मकान बने हैं सभी को आप देख रहे हो व्हाइट कलर के हैं अभी ना, लेकिन व्हाइट कलर नहीं रहने वाला है, जो है लाइट में भगवा कलर होता है वो होने वाला है। अभी आपको आगे चल के दिखाएंगे कुछ मकान को जो इसी तरह से पूरा बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन यार लुक लगता है देखने में, ठीक है। अभी का देखिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बीच में जो लग रहा था डिवाइडर का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है। जहाँ पर आपको देख रहा होगा कहीं पर थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है, तो उसके छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, जिससे लोग क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छूट रही है, या फिर वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगेगी इसलिए छूट रहा है, ठीक है, इसलिए छूट, तो उसके लिए आपने ध्यान मत दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा काम हो चुका है, जो कि ये है डिवाइडर वाला, ठीक है। और साइड में देखिए फुटपाथ का काम किस तरीके से हो रहा है। अभी चलिए आपको आगे दिखाते हैं। भाई यार भीड़ तो बहुत लग जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे राइट साइड पे रोड है उसके ऊपर एक कोट और चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा मेरी कई वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि रामपथ जो बना था पक्का रोड का काम हुआ था उसके ऊपर एक कोट का भी निर्माण और किया जा रहा है, क्योंकि बस वैसे वो नॉर्मल बन गया था, अब तो उसको फिनिशिंग देंगे, उसको अच्छा सा लुक देंगे, तो इसके लिए भी काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से देखिए बना रहे ना इसको पूरा, तो अभी इस पर एक कोट और चढ़ा जिससे इसका फिनिशिंग ज़बरदस्त हो जाएगा इसके लिए। चलिए भैया भीड़ से निकलते हैं यार, कैसे भी करके आपको दिखाते हैं। भीड़ बहुत जगह जगह पर लग जा रही है, क्योंकि रोड जो है उस साइड पर बंद है, तो उस साइड वाले भैया इसी रोड पर चल रहे हैं और इस साइड वाले तो चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताएं, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखा हो या फिर मैं अब बता देता हूँ, अयोध्या में अपने यहाँ पे राम पथ पे आप लोग देखोगे आपके आगे चल के जो है वो टैक्सी टेम्पो जो होता ना फट 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 करके चलते हैं, उनका बैन लग चुका है, अब वो बंद हो जाएगा, वो नहीं चलने वाला, अब सिर्फ ई रिक्शे चलेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वाहन आए हैं जो व्हाइट कलर के हैं, इसके पहले मैंने वीडियो डाला, आप लोग ध्यान से देखिएगा उसको फिर से जाके, नहीं देखा होगा तो, वो वाहन अब अयोध्या में चलेंगे, उस पर जो है आप सवारी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक रहेगी, वो जो है पोल्यूशन भी नहीं करेगी और आपको पूरा अयोध्या भी घुमाएगी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तरफ से आई हुई है, तो भाई शायद कुछ चार्ज लगे, आगे डिटेल में उसको किसी दिन पता करेंगे कितना क्या लग रहा तो आपको बताएंगे पूरा, ठीक है। अगर ऐसी ही जानकारी हमेशा चाहिए आपको यार, बार बार बोलता हूँ प्रभु श्री राम जी से और अयोध्या से जुड़े रहना है हमेशा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना यार, कौन सा आपका पैसा लग रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से अभी का व्यू है। देखिए अभी जो है वही सेम काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ जो मकान है अभी जो है नए नए जो है प्लास्टर किए गए हैं, तो उनको वाइट कलर कर दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हमारे राइट साइड पे जो कलर हुआ है देख रहे हैं, कुछ क्रीम कलर का आपको दिख रहा होगा, कुछ भगवा कलर का लाइट कलर मान सकते हो हल्का, वो हो रहा है। तो यही कलर बिल्कुल सेम किया जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड पे देखिए कलर हो रहा है भगवा डार्क हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों कलर कॉम्बिनेशन मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइट रहा लाइट कलर में फिर भी चल जाएगा, और डार्क रहा फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा भवन लग रहा है, हमारे राइट साइड पर आप लोग एक बार नज़र डालिए, कितना प्यारा लग रहा है यार यहाँ पे देखने में। और एक चीज़ और किया जा रहा है यहाँ पे देखिए, जो आप ग्रिल बोलते हो आपके घरों में लगाया जाता है लोहे का, आप लोग लगवाते हो घर में, लेकिन यहाँ पर बाहर से लाई जा रहे हैं,
यहाँ पे जो है वो ट्रक पे बड़े बड़े ट्रक पे लोड होके आ रहे हैं, वो कुछ राउंड शेप में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे घरों पर लगाए जा रहे हैं ऊपर के सिरा पे, जैसे आपका घर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, 1 मंजिला है, तो उसके ऊपर जो है ये ग्रिल जो है वो लगाए जा रहे हैं, और इनको भी वही सेम कलर किया जाएगा, तो कि बहुत ही मस्त लगेगा। कुल मिला के राम पथ पे जो घर बनाए जा रहे हैं वो कोशिश किया जा रहा है कि दोनों साइड पर जो उनका लुक रहे, टेक्स्चर रहे, देखने वाला वो एक जैसा रहे, कलर जो रहे वो एक जैसा रहे। तो यार अभी तो भाई बन रहा है, आगे चल के कुछ दिन में तैयार हो जाएगा भाई, ज़बरदस्त भी वो होने वाला है यहाँ का। ठीक, अभी का देखिए तो कुछ कहीं कहीं पे भी भाई काम चल रहा है, जो डिवाइडर का काम था वो थोड़ा बहुत हो रहा है, कहीं पे जो है वो डक्ट का काम प्रॉब्लम हो गई है जहाँ पे, उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको और आगे दिखाते हैं, और अभी थोड़ी दूर पे आगे चल के आपको दिखाएंगे ना कि वहाँ पे जो है फुटपाथ का काम चल रहा है, और फुटपाथ को बहुत ही बेहतर तरीके से कलर कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी का देखिएगा तो कुछ इस तरीके से व्यू है अभी का, बाकी जो था वो फुटपाथ का काम तो अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। डिवाइडर का यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके से हो रहा है, और ये सब आप लोग देख सकते हो, ये सब बाहर के श्रद्धालु हैं, आपको दिख रहा होगा ये सब बाहर के लोग हैं, बाहर के आने स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक जो था वो लोकल वाले ही ज़्यादा दिखते थे, लेकिन ये रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया है जिसकी वजह से लोग जो है स्टेशन से आते हैं तो प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जन्मभूमि पे जाते हैं, और अदर जगह पे जाते हैं जैसे हनुमानगढ़ी जी का, मतलब हनुमानगढ़ी पे जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने, राम की पैड़ी पे जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से और आने वाले टाइम में तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो कुछ अभी इस तरीके से है व्यू पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ, और अगर इसके पहले मैंने वीडियो डाला है राम की पैड़ी का, आप लोगों ने नहीं देखा जाके देखना, पूरा डिटेल में बताया हूँ, पूरा विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन राम पैड़ी पे हमारे लगाई गई है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आप लोग वो जाके देखना, पूरा 200 से ज़्यादा फिट वो उसकी जो है वो चौड़ाई है, तो आप लोग जाके देखना यार, पूरा डिटेल में बताया हूँ। बाकी अभी हम राम पथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिखाते हैं कैसे कैसे जो अभी काम हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों जो है वो दिन पे दिन जो है कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो लोकेशन है अभी का वो श्री राम हॉस्पिटल का है, हमारे राइट साइड पे हॉस्पिटल है, और वहाँ का भी आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं लोकेशन बताता हूँ क्योंकि भाई लोग कुछ कमेंट करते हैं यार कि आप लोग जगह नहीं बताते हो कहाँ पे है, किस कितना का काम हो रहा है, तो मैंने साथ में वीडियोज में जो है वो लोकेशन देना स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोग को पता रहे कि कहाँ पर कितना काम किया गया है। ठीक है, तो पूरा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यार जितना भी हो सकता है वीडियो में, बस आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, डीमोटिवेट करते हो, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना चाहिए आपको ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको और ऐसी ऐसी कॉन्टेंट और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देने का। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, उसको दिखाते हैं आपको आगे का। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये फुटपाथ का काम है, आप यहाँ पर जो ट्रैक्टर देख रहे हो लगा हुआ है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। चलिए आपको थोड़ा सा साइड होके अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से भैया इधर से, ये जो आप तो सामने टेम्पो देख रहे हो ना, बहुत ही जल्दी हटोगे भाई लोग, यहाँ से इन्हीं को बैन किया गया है क्योंकि यार ये पोल्यूशन भी करते हैं, फट फट करके नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब करते हैं, तो इनको बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा, परेशान ना हो, सब गवर्नमेंट हटाएगी इन सबको। ठीक है, एक तरह से अच्छा ही रहेगा यार, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कर दे हैं रोड पे जाम भी लगाएंगे, उसके बाद पोल्यूशन तो अलग से कर ही रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी जान लगे कि आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, कैसे क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं और भी कैसे कैसे कार्य हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, इस पर एक कोर्ट का निर्माण और होगा, इतना ही रोड नहीं रहेगा, आप लोग जो देख रहे हो कि बस इतना ही बना है, नहीं, अभी इसके ऊपर एक कोट और चढ़ेगा जिसकी वजह से इसका फिनिशिंग दिया जाएगा उस पर पूरा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे राइट साइड पर कुछ मकान बने हैं जो कि देखो सिर्फ प्लास्टर कर दिए हैं, अभी नए ताज़े प्लास्टर हुए हैं, अब इनको पहले क्या करेंगे, पहले वाइट कलर करेंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट तरफ से कलर आया है उसको किया जाएगा, यानी कुछ लाइट भगवा या फिर डार्क भगवा कलर करेंगे वो होगा। ठीक है, अभी का देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से भी है रामपथ का, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ आगे किस तरह से, यहाँ पे देखिए मकान के काम चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको चलिए फुटपाथ पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा से वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से देखिए फुटपाथ बन रहा है, और फुटपाथ के बीच में आपको कहीं कहीं भी देखिए एक डक्ट के लिए जो चौक होने में जो है जगह छोड़ा गया है, वो डक्ट का काम भाई है, उसके लिए उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, फुटपाथ देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे जिसको पक्का बना के रेडी कर दिए हैं कि लोग आएँ और उस पर चलें, बाकी बिल्कुल रेडी है पूरा। और यहाँ पर देखिए कुछ कार्य हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से देखिए बनाया जा रहा है, अभी जो है इसको बंद किए हैं उधर न जाने के लिए क्योंकि इसको भी जो है तो ताज़ा बनाया गया इसलिए। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे कुछ वायर्स आ रहे हैं जो कि डबल डक्ट बना हुआ है, तो उसके अंदर से वायर्स जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो है वायर्स अंडरग्राउंड रहेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर का इसको किया जा रहा है, यही बोल रहा था मैं आपको कि बहुत ही प्यारा लगता है यार देखने में। ये देखिए इस तरीके से रहेगा फुटपाथ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा यार। आगे चलिए आपको दिखाते हैं कुछ कार्य हो भी रहा है, फुटपाथ जो है वो बन भी रहा है, उसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा इतना फुटपाथ छूटा है, यहाँ से देखिए फिर से रेड स्टार्ट किए हैं करने के लिए, उसके ऊपर से पता नहीं है कौन सा कलर डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बाकी जो कुछ भी हो मस्त लग रहा है देखने में, चाहे जो हो। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जो है अभी कार्य हो रहा है। आगे चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, यार कहाँ चला गया वो, चलिए आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे काम हो रहा है। ये पेट्रोल पम्प है यहाँ पे रामपथ पे, शायद ही एक ही है यहाँ पे, बाकी चलो अच्छा है, कम से कम है तो किसी को आना रहेगा, प्रॉब्लम होगी तो। यहाँ पे देखिए कुछ मसाले रखे हैं, कार्य चल रहा है क्योंकि साइड में दीवार भी उठाना पड़ता है भाई, एक दीवार के बाद जो है फुटपाथ बनता है ना, तो उसके लिए कुछ कार्य भी कहीं कहीं पे चल रहे हैं। बाकी आपको पता है यार 13 किलोमीटर का है रामपथ, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर जगह पे काम चल रहा है धीरे धीरे, और कुछ टाइम लगेगा बाकी जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों साकेत कॉलेज के पास हम पहुँचे हैं और यहाँ का आपको व्यू दिखा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से अभी का व्यू। तो यहाँ पर देखिए एक भाई लोग यार बैठे हैं, हाथ वाथ हिला रहे थे यार, ठीक है थोड़ा बहुत यार कैमरे में ले लें, उनको भी यार खुशी मिलेगी एक तरीके से। बाकी चलिए आपको आगे का व्यू देते हैं। और ये जो लोकेशन है अभी जो है वो जो है साकेत कॉलेज के आसपास का है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से काम किया गया है, ठीक है। चलिए आपको हमारा जो फोकस है आपको फुटपाथ दिखाना है ना, फुटपाथ कितना काम किया गया है उसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा उस तरह से काम चल रहा है, और अभी स्ट्रीट लाइट सिर्फ 4-5 ही लगी थी, अगर आप लोग बाद में फिर पूछो तो उसको बता दे रहे हैं, बाकी आगे लग जाएगी, अभी काम चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से काम हो रहा है, और यहाँ पे देखिए एक सर मिल गए हमारे देश के जवान, तो उनके लिए जय श्री राम और उसके बाद जय हिंद दोनों लिख देना कॉमेंट में भाई लोग, ठीक है। इस तरीके से भी भैया यार जाम से तो यार परेशान हूँ मैं, 2-3 जगह पैसे लगा है, रोड का काम चल रहा है इसकी वजह से लग रहा है यार, नहीं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी चलिए निकल गए भाई जाम से यहाँ से, थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्किप किया था। चलिए यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पे फिर ऐसे है, यहाँ पे देखिए काम चल रहा है मस्त, यहाँ पे देखिए रेड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखिए कितना मतलब प्लेन कर रहे हैं, उसके बाद से जो है वो थोड़ा बहुत चिन्ह बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम हो। ये देखिए कितना मस्त का यार लग रहा, देखिए लाजवाब भाई मस्त लग रहा है बिल्कुल, देखिए किस तरह से काम चला, इसको कितना बढ़िया स्मूथ देखिए दे रहे हैं फिनिशिंग इस तरीके से। भाई रामपथ का काम हो रहा है यार, नॉर्मल बात नहीं है, यहाँ पे देखिए जबरदस्त काम होगा पूरा, और ऐसे ही हमेशा देखना है तो मैं हूँ यार आपको अयोध्या से पूरा हमेशा जोड़ के रखूँगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, छोटा मोटा ही काम है। बाकी देखिए इस तरीके से काम हो रहा, तो थोड़ा सा यहाँ से रोड क्रॉसिंग भी है तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत, बाकी शायद इसका भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इलाज करे भाई, आने जाने के लिए भीड़ ना लगे। चलिए बाकी यहाँ से साइड से चल के आपको दिखा देते हैं, और भी जो काम चल रहा है उसको आपको दिखाते हैं। बाकी हाँ एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का आपको पता होगा कि मंदिर का उद्घाटन जनवरी में होने वाला है, 22 को होने वाला है, तो उसमें ये है कि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई दी गई है। अगर आप राम पथ पे देखोगे तभी भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जन्मभूमि पथ पे देखोगे वहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश ना ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है भाई। जो लोग हैं आप लोग तो यार सही हो, समझदार हो सब, बाकी बता रहे हैं जो कुछ लोग अपने आप को चालाक समझते हैं उनके लिए, बाकी जैसा भी होता। चलिए अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं यार, आपको पूरा रामपथ का व्यू देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको लेके चल के हम वहाँ तक दिखाते हैं जो प्रवेश द्वार बनाया गया है अयोध्या का, वहाँ तक आपको पूरा दिखाएंगे, ठीक है। वह कुछ इस तरीके से व्यू है, और जो थोड़ा बहुत स्पेस छूटा हुआ था ना पक्का रोड बनने के बाद, थोड़ा बहुत और बना दे रहे हैं पक्का रोड, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा वो भी और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा पूरा मैं कवर कर रहा हूँ आपको फुटपाथ दिखाने का, क्योंकि और यहाँ पे देखिए कितना वाइड लग रहा देखने में, और हमारे सामने जो है वो अयोध्या का प्रवेश द्वार है जो कि पहले ही बनाया गया था, बाकी अगर उसको डेवलप करें ना करें, 7 दिन में तो एक बन ही रहा है, बाकी इसका भी जैसा होगा वो दिखाते हैं। तो यहाँ से आप प्रवेश द्वार से मान सकते हो कि रामपथ बिल्कुल मेन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कार्य किया जाता है, यहाँ पर एक हाईवे भी बनाया गया है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और भी थोड़ा सा वो आपको दिखा देते हैं क्या क्या काम किया जा रहा है। बाकी इधर उससे नॉर्मल ही है, क्योंकि इस प्रवेश द्वार के अंदर ही ज़्यादा ही काम किया जा रहा है, इस पर स्ट्रीट लाइट का हुआ, फुटपाथ का हुआ, डिवाइडर का हुआ, वो भी जो जितना भी काम है उसको काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है इसके अंदर, फुटपाथ के मतलब जो गेट बनाया गया है उसके अंदर से,
ठीक है। तो ये है दोस्तों, मतलब इधर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये जो रोड है मतलब वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, जो आपको पता मैंने कई बार दिखाया है कि मस्जिद थी जो मतलब है अभी, जो रामपथ के रोड में आ रही थी उसका गेट वोट तोड़ा गया था, तो वहाँ से पक्के रोड का काम हो रहा है अभी का। देखिएगा इस तरीके से है दोस्तों व्यू, यहाँ पे देखिए जिस भी खड़ी हुई है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, इधर थोड़ा सा स्लो है बाकी अंदर तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से व्यू है दोस्तों अभी का, मैं आपको पूरा लेटेस्ट में दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, और भी कुछ सब कुछ मैंने यार डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश किया यार। तो इसके लिए यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, और अगर आपको ऐसे अध्यक्ष जुड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।